अमिताभ बच्चन की मोस्ट अवेटेड फिल्म झुंड रिलीज हो चुकी है। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए फिल्म ने शुक्रवार को यानी पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। वास्तविकता को दर्शाने वाली यह फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है और शायद यही वजह रही है कि फिल्म ने पहले ही दिन 8 से 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन ने अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल एक बार फिर जीत लिया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने स्पोर्ट्स कोच विजय बोराड़े के रूप में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। फिल्म विजय बरसे की जिंदगानी से प्रेरित है जो शलम शकर एनजीओ के संस्थापक हैं। विजय बरसे ने अपने इस एनजीओ के जरिए जुग्गी झोपड़ी के बच्चों के बीच फुटबॉल को लोकप्रिय बनाया और इसे खेलने का साहस देखकर उनकी जिंदगी भी सवारी। निर्देशक नागराज पोपट राव मुंजले ने झुंड की कहानी स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखे हैं। इतना ही नहीं उन्हें फिल्म में अभिनय करते हुए देखा गया है। इससे पहले साल 2016 में रिलीज ऑनर क्लिंग पर आधारित मराठी फिल्म शेराट का निर्देशन भी नागराज पोपट राव मुंजले ने किया था। बात करें अमिताभ बच्चन की तो वे अपने सराहनीय काम से दर्शकों को इम्प्रेस करने में कामयाब हुए हैं। अमिताभ बच्चन को आखिरी बार इमरान हाशमी के साथ फिल्म चेहरे में देखा गया था। जल्द ही वे रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ ब्रह्मास्त्र में दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा रनवे 34 भी उनकी अपकमिंग फिल्म है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.